हेलो एवरीवन स्वागत है आपका यूनाइट कोचिंग में तो हम लोग नई वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि सिर्फ पर्टिकुलरली फोकस करेंगी टाउन प्लानिंग जो एग्जाम आ रही है एटीपी पोस्ट के लिए सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सी टाउन प्लानिंग एंड इट्स ऑब्जेक्टिव टाउन प्लानिंग क्या है वहां से हम स्टार्ट करेंगे उसका इंट्रोडक्शन उसके ऑब्जेक्टिव क्या है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और धीरे धीरे अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो हम लोग इसको इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे सो इफ यू लाइक सच सीरीज प्लीज लाइक दिस वीडियो आल्सो सब्सक्राइब टू यूनाइट कोचिंग सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो व्हाट इज टाउन प्लानिंग सबसे पहले देखो टाउन प्लानिंग को और क्या बोला जाता है अर्बन प्लानिंग भी बोला जाता है इट इज ऑल्सो नोन एज एकेज मी मीन ऑल्सो नोन एज इट इज अर्बन प्लानिंग 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 रीजनल सिटी या फिर उसको रूरल प्लानिंग भी कहा जाता है ठीक है अब क्या है वॉट इज टाउन प्लानिंग इट इज अ प्रोसेस दैट प्रोमोट प्लान इकोनॉमिक साइंटिफिक आर्टिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स एंड सिटीज क्या बोल रहा है देखो ये ये वर्ड्स देखो इंपॉर्टेंट है वॉट इज टाउन प्लानिंग इसमें क्या प्रमोट करना है हमको प्लानिंग मतलब प्रॉपर प्लांट अगर कोई सिटी है तो हम उसको कर सकते हैं कि उसकी टाउन प्लानिंग हुई है सिंपल, उसका इकोनॉमिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रोथ और आर्टिस्टिक कुछ आर्ट वगैरह उसमें फॉर एग्जांपल कहीं पर एक पर्टिकुलरली पार्क का जोन दे दिया आपने एक पर्टिकुलर कमर्शियल एरिया दे दिया रेजिडेंशियल एरिया सेपरेट दे दिया और कुछ आर्टिस्टिक चीजें भी उसमें ऐड कर दी तो ये सब चीजें विल विल इट ऑल दिस बी इंक्लूडेड इन टाउन प्लानिंग देन आफ्टर पासिंग इट थ्रू स्टेजेस ऑफ प्लान फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन एंड एनफोर्समेंट फॉर द यूज ऑफ द लैंड इन एन एग्रीगेटेड इंटीग्रेटेड मैनर फॉर वेरियस एक्टिविटीज सच एज रेसिडेंशियल एज ए टोल्ड यू कि इसको हम क्या करेंगे प्रॉपरली इसका फॉर्मुलेशन होता है देखो ये जो टाउन प्लानिंग प्रोसेस है ना ये कैसे अलग अलग स्टेजेस से जाती है फर्स्ट इसका प्रपोजल बन जाएगा ऑब्वियसली प्रपोजल जो है इसका प्लान फॉर्मूलेशन जिसको हम हैं बाद में उसको वेरियस स्टेजेस ऑफ अप्रूवल से गुजरना पड़ेगा फिर फाइनली उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा ऑन ग्राउंड और उसको एनफोर्समेंट जहाँ या फिर उसको हम ऐसा भी कह सकते हैं एनफोर्समेंट होगा उसका ऑन द ग्राउंड ठीक है अब इसमें क्या आ सकता है वी विल डिवाइड अ पर्टिकुलर एरिया इन टू वेरियस रेसिडेंशियल देन कमर्शियल जोन्स इंडस्ट्रियल जोन्स विल आल्सो बी देयर

बेस्ट सोल्यूशन फॉर टाउन प्लानिंग का जो डेवलपमेंट होना चाहिए, land, इसका होना चाहिए? मतलब ये के लिए भी अच्छा होना चाहिए उस चीज पर हमारा फोकस ज्यादा रहेगा ठीक है तो इस तरह से हमको टाउन प्लानिंग को ऑर्गेनाइज करना है उसका प्लानिंग करनाटेड टू टाउन प्लानिंग अब सस्टेनेबल का डेवलपमेंट का अगर आपको पूछता है वो जैसे चार आते हैं प्लानिंग क्या रहेगा इंक्लूड होना ही चाहिए सो व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीटिंग नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स देखो अभी मान लो फॉर एग्जाम्पल आपकी प्रेजेंट नीड है कि यू हैव टू कैरी सम मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एक छोटा मोटा जो आप कुछ खरीदी करने जाते हो बाजार में तो वहां पर आपको क्या करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह आपको क्या कुछ बैग कैरी करना पड़ता है ना कैरी बैग जिसको हम कहते हैं बट आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए व्हाट यू आर डूइंग प्रेजेंट रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल होने के लिए आप क्या करोगे उसको यू विल बी यूजिंग प्लास्टिक बैग्स तो इसमें हो रहा क्या है आपका प्रेजेंट नीड तो फुलफिल हो जा रहा है

व टू ऑल्सो प्रोवाइड द ग्रीनरीज पार्क प्ले ग्राउंड मतलब रिक्रिएशनल सेंटर्स भी आपको प्रोवाइड करना ही है और ऐसा नहीं करना है कि पूरा प्रॉपर उसका यूज ऐसा हो जा रहा है कि ओनली कॉन्क्रीट जैसे हम बोलते हैं ना कॉन्क्रीट फॉरेस्ट बन रहा है आजकल सो दैट शुड बी अवॉइडेड दैट इज इंक्लूडेड इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंपॉर्टेंट मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूं कि टाउन प्लानिंग का मेन एम ही आजकल यही बन गया है कि इट शुड हैव सस्टेनेबल डेवलपमेंट ठीक है तो ये वर्ड आप याद रखिये

नेचुरल कंडीशन कुछ हार्मफुल नहीं होना चाहिए सिटी आपकी ऐसा आपने प्रिजर्व करना चाहिए मतलब उसका नेचुरल चीजें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए नेचुरल कंडीशन नेचुरल कंडीशन को यूज करते हुए ही आप में उस आपने उसको ऐसा प्लान करना चाहिए दैट इट शुड हैव इंडिविजुअलिटी ये देखो ये वर्ड्स एज इट इज मैं इसलिए ले रहा हूँ दे आर ऑल टेक्निकल वर्ड्स मीनस रिलेटेड टू कोड और जैसा टाउन प्लानिंग में यूज होता है वैसे वर्ड्स है ये तो यहाँ पर ये जो मैंने हाईलाइट किया है खास करके बोल्ड किया है यू हैव टू प्रिजर्व द इंडिविजुअलिटी

और ये इसकी भी केयर लेना पड़ेगा कि इंडस्ट्रियल एरिया से बहुत ज्यादा करीब ना हो बहुत ज्यादा आपका जो मतलब ब्यूटी भी मेंटेन हो और साथ में साथ आपका ग्रीनरी ट्रीज वगैरह ये सब चीजें जो है इस पर भी इम्पैक्ट ना हो और ये प्रिजर्व हो दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ टाउन प्लानिंग एंड इट इज इट कम्स अंडर द मेन हेडिंग एज ब्यूटी देन टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक बिल्डिंग्स एंड बिल्डिंग्स ऑफ सिविक डिग्निटी ब्यूटी जैसे ऐसे कोई बिल्डिंग जो बहुत uh, डिग्निटी के माने जाते हैं ऐसे बिल्डिंग्स को भी हार्म नहीं होना चाहिए उसको भी प्रिजर्व होना चाहिए आर्किटेक्चरल कंट्रोल ऑन पब्लिक एज वेल एज सेमी पब्लिक बिल्डिंग्स एंशियंट आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स स्ट्रक्चर्स जैसे पुराने जो स्ट्रक्चर्स है ताजमहल वगैरह हो गया या इतने भी मतलब इतना फेमस तो नहीं ले सकते हम एग्जाम्पल बट ऐसे एंशियंट स्ट्रक्चर्स या आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स जिससे हमारे सिटी का या हमारे टाउन का ब्यूटी मेंटेन है उसको आप विदाउट एनी हार्म यू शुड प्लान योर सिटी देन द temples, churches, mosques and and buildings of cultural and historical importance. All this should be preserved while you are planning your town. So, things important तो question ऐसे ही पूछ सकते हैं कि आपको कौन से कौन से ऑब्जेक्टिव है और एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड फॉर एक्जाम्पल ब्यूटी अगर पूछता है तो उससे रिलेटेड ये थिंग्स आपको याद रखना है देन सेकेंड वन इज कन्ियस अभी कन्वीनियंस कैसा में टाउन को प्लान करना है आपको द टर्म

प्रॉपर सैनिटेशन टॉयलेट्स बाथरूम अवेलेबल नहीं है तो वो आप हर जगह प्रॉपर उसका अरेंजमेंट विथ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम आप प्रोवाइड करके दे रहे हो इलेक्ट्रिसिटी दैट इज द बेसिक नीड पोस्ट टेलीग्राफ गैस एंड एडिक्यूट साइट फॉर द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल हाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट है अगर आप ऐसा प्लान कर रहे हो कि आपने इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेक्टर या बिजनेस सेक्टर के लिए जगह कम दे दिया तो वॉट दे विल डू देट और एक्यूमुलेट द रेजिडेंशियल एरियाज So, आप प्रॉपर उसको एडिक्वेट मतलब क्या एक सफिशियंट जगह आप इंडस्ट्रियल के लिए छोड़ दीजिए कमर्शियल के लिए आप सेपरेट जगह को प्रिजर्व कर लीजिए तो ये सब चीजें आपको माइंड में रखना है एंड इट विल कम अंडर देन ट्रेड सेंटर्स विध एफोर्डेबल पावर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रॉपर होना चाहिए मतलब जो जिससे कन्वीनियंस इंसान का बढ़ रहा है कम्युनिटी का बढ़ रहा है अब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अगर आसान हो गई सर्विसेज उसकी मिल गई तो द पॉपुलेशन मतलब उसको करने के लिए. अब रिक्रिएशनल सेक्टर्स में रिक्रिएशनल सेक्टर्स के मैं कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूँ आपको या के, देखो यहां पर एक वर्ड आया था ना रिक्रिएशनलिटीज इसका क्या मतलब होता है ओपन स्पेसेस

उसको एक प्रॉपर uh, क्या बोलेंगे हम ओपन देन देर वर्क एंड रेसिडेंशियल थिंग दे शुड है उसमें यह सब चीजें आएंगी यू हैव टू नोट दैट ओके देन द थर्ड ऑब्जेक्टिव एनवायरमेंट अगेन आई है प्रीवियस स्लाइड One of the most important uh, objects of the town planning is the sustainable development, which related to environment. So, what is that? The town's surrounding should be designed in such a way that people can go about their daily lives with the least amount of hardship. Now, what is travel time, hai kisi ka, for example, uh, one person has to travel from his residential place to its वर्किंग प्लेस और उसको ट्रैवल करने के लिए दो घंटा जा रहा है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है हर चीज ज़्यादा है तो इससे क्या होगा अल्टीमेटली ही विल गेट इम्पेक्टेड उसका वर्किंग आवर्स का जो ड्यूरेशन है फॉर एग्जाम्पल इट इज एट आवर्स और उसकी जर्नी में दो दो घंटा जा रहा है तो उसका क्या होगा एनवायरमेंट रिलेटेड उसका जो पोल्यूशन है ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए मतलब ऐसा प्लान करना चाहिए

वर्किंग आवर्स फॉर एग्जाम्पल आठ आवर्स का है दो घंटा उसको जाने को लग रहा है दो घंटा उसको वापस अपने घर पर आने को लग रहा है ऑलमोस्ट उसका कितना परसेंट uh, से ज्यादा टाइम उसका स्पेंड हो जा रहा है किस में सिर्फ आपका वर्किंग में और ट्रेवल्ड में तो ये नहीं होना चाहिए दिस कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम शुड बी अवॉइडेड इन टाउन प्लानिंग मीन्स ये चीजें क्यों बताई जा रही है टाउन प्लानिंग के स्टार्टिंग में ही अगर आप टाउन प्लानर बन जाते हो तो यू शुड हैव दिस पॉइंट्स इन योर माइंड एंड यू शुड प्लान दैट सिटी दैट्स वे दे आर दिस ऑब्जेक्ट्स देन लेंदी वर्कर्स बहुत ज्यादा वर्कर्स लेंदी नहीं होना चाहिए रेस्ट्रिक्टेड टाइम स्पेंड विथ फैमिली एंड कम्युनिटी मतलब बहुत कम टाइम वो फैमिली के साथ स्पेंड कर रहा है तो ये भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम हा कम्युनिटी के साथ टाइम ज्यादा स्पेंड नहीं कर रहे हैं सो ऑल दिस प्रॉब्लम शुड नॉट बी देयर दे शुड नॉट एग्जिस्ट तो ये कब होगा अगर आप प्रॉपर उसको प्लान करते हो तो सो वॉटरी रिलेशनशिप मतलब उसको इतना अच्छा लगना चाहिए वर्किंग आवर्स या वर्किंग जब उसमें उस एनवायरमेंट में वो काम करता है तो ही शुड फील वेरी कंफर्टेबल एज वेल एज इजीनेस हार्डशिप का अपोजिट उसको होना चाहिए सो दिस कम comes under the environment and what is the last objective then health health is the one of the objectives of town planning so what it says residential commercial industrial institutional and recreational zoning should be done to avoid encroachment of one zone into another Dekhaan, yahan par health एक प्रॉपर आपने सेक्टर्स में डिवाइड कर देना चाहिए पूरा एरिया रेसिडेंशियल को सेपरेट एक परसेंटेज में फॉर एग्जाम्पल अगर हंड्रेड एकर्स है तो जो भी आप थर्टी एकर्स व एकर्स इज द एकर्स या हेक्टर्स जो भी है मतलब एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ सर इतना छोटा तो नहीं रहेगा बट हंड्रेड एकर का अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ तो थर्टी एकर्स फॉर एग्जाम्पल आप रेसिडेंशियल को देते हैं फॉर एक्साम्पल वैसे ही आप कुछ परसेंटेज कमर्शियल को देते हैं कुछ परसेंटेज इंडस्ट्रियल को देते सो इट शुड बी फिक्सड अदरवाइज व्हाट विल हैपन अगर आपने इंडस्ट्रीज को कम एरिया दे दिया व्हाट विल हैपन

सो टू एस्टेब्लिश एंड एनकरेज हेल्दी लिविंग वर्किंग वर्किंग एज वेल एज प्लेइंग एंड रिलैक्सिंग सरकमटांसेस एंड सेटिंग फॉर ऑल इंडिविजुअल रिच एज वेल एज पुअर मतलब आपका मेन एम क्या होना चाहिए कि आपको प्रॉपर हेल्दी लिविंग होना चाहिए किसका द पीपल हु आर लिविंग इन द टाउन वर्किंग एनवायरमेंट अच्छा होना चाहिए प्लेइंग एनवायरमेंट होना चाहिए और हर इंडिविजुअल वेदर ही इज पुअर और रिच ही शुड हैव दैट